वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं जैसिका, ये हैं अभिनव। आज आप हमें देख रहे हैं लाइव। आज थोड़ा सा ऑफ टॉपिक बात करेंगे, जो कि हम हैं उससे थोड़ा सा हटके। तो आज हमने सोचा कि यूजली हम लोग ऐसे ट्रैवल करते हैं, कार निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं, निकल जाते हैं, और एक या दो दिन के बाद एहसास होता है कि नहीं यार, अभी डीजल ख़त्म होने वाला है तो डीज़ल भरवाना है, या आपके उसमें पेट्रोल होता होगा तो आपको पेट्रोल भरवाना होगा। तो कभी इस बारे में आप लोगों ने, हम लोग खाम खा के हर दो या तीन दिन के अंदर हम लोग पैसा बर्बाद करते हैं हज़ारों के तादाद में, है ना। कभी 5,000 का डीजल डलेगा, कभी 6,000 का डलेगा, बट हमारे पास SUV है तो ऑब्वियस है कि ज़्यादा ही महंगा, मतलब ज़्यादा डलता है। इसका टैंक है 70 लीटर, तो जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनके अंदर भी डीजल तो डलता ही समय है। तो कभी इस बारे में आपने सोचा है कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हम ये सारी चीज़ें सेव कर सकें? तो हम बहुत ही सालों से, जब कोई भगवान जी आ गए, जब ये चीज़ आई भी नहीं थी, सोची भी नहीं गई थी, तब से हम लोग तो सोच रहे हैं कि एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रिक व्हीकल, या फिर कोई भी चीज़ कह लीजिए इलेक्ट्रिसिटी से जो चलती हो वो बेटर रहेगी। कुछ लोग कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी भी तो खर्चा होती है ना, लेकिन एनी हाउ आपके डीजल से, इन सब चीज़ों से खपत उसकी कम होती है। तो इतना मतलब सोच सोच के आज हमने सोचा कि बात ही कर ले इस बारे में। तो अभिनव से मैंने पूछा, मैंने कहा आज का टॉपिक कुछ ऐसा ही रखना चाहिए जिसके अंदर हम लोग अवेयरनेस भी दे सकें और साथ ही साथ में इस बारे में हम लोग भी कुछ सीख सकें, अगर आप हमें सामने से बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में, अगर आप लोग हमारी हेल्प कर सकें इन दिस केस। सो व्हाट यू थिंक अभिनव, अभी मतलब तुम्हें क्या फील होता है? मतलब अब तो तुम गाड़ी चलाते ही हो, है ना, इतने सालों से चला रहे हो, तो तुम्हारे लिए तो ये चीज़ बहुत मेजर इशू होगी कि ये चीज़ों को कैसे सॉल्व किया जाना चाहिए। हाँ, मतलब पहले तो यही कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी आ रहे हैं, दैट्स वेरी गुड पार्ट, और बहुत जल्दी लोगों में कन्वर्जन भी हो रहा है, लोग इस चीज़ पे ट्रांसफ़र भी हो रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। अदरवाइज़ तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने में सालों लग जाते हैं, उसके बाद लोग उसको अडेप्ट करने में टाइम लेते हैं, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ ऐसा नहीं हुआ। दैट्स वेरी गुड पार्ट कि लोगों ने बहुत हाथों हाथ इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन मेरा एक और सजेशन था कि वाई इलेक्ट्रिक व्हीकल। देखिए, अभी हम लोग, पहले जो काम आज से बहुत सालों पहले हो जाना चाहिए था वो आज हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा और भी विकल्प मौजूद हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल मुझे लगता नहीं कि प्रैक्टिकल है। थोड़ा सा शायद बहुत लोगों को लगेगा कि पता नहीं यार बंदा क्या बोल रहा है, लेकिन हाँ, या अगर आप भी इसको गहराई से सोचेंगे तो इट्स लाइक दैट ओनली कि अभी हमारे पास देख, फिर क्या ऑप्शन हो सकता है? फिर ऑप्शन हो सकता है सोलर। वेरी सिंपल, अगर हम लोग डायरेक्ट सोलर पर शिफ्ट कर सकते हैं तो पहले हमें मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें, उसके पहले उस पर शिफ्ट हो जाएं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे फिर नेक्स्ट स्टेप मतलब हम लोग उस पर शिफ्ट हो जाएं। बट आई फील ना, ये सब एक तरह का प्लान होता है गवर्नमेंट का कह लो, या फिर जो कार इंडस्ट्री जो है वो ये पहले से प्लान करते हैं। आपको क्या लगता है कि आज से सदियों पहले क्या ये इलेक्ट्रिक व्हीकल या सोलर व्हीकल ला नहीं सकते थे? सब ला सकते थे, लेकिन इंटेंशनली नहीं लाते हैं। इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है तो कितनी ज़्यादा पावर, कितनी ज़्यादा एनर्जी है मतलब नेचर के पास, तो इसी चीज़ से अगर आपकी गाड़ी चार्ज भी हो जाए तो ये कंपैटिबिलिटी क्यों नहीं बिठाते हैं? आई फील कि सब चीज़ों को इतना ऑर्गेनाइज कर दिया जाना चाहिए जिससे कि हर बंदा जो है वो सफ़र करने से बच जाए। आज अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो बहुत हद तक इस चीज़ को इम्प्रूव करते चलती ही जा रही है। जैसे कि अगर मैं मुंबई की बात करूँ, इतनी ज़्यादा यहाँ पे मेट्रो का काम चालू होता है, इतना ज़्यादा काम चालू है, आप रास्ते से जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है आपकी डेस्टिनेशन पे पहुँचने के लिए। इट्स लाइक इट टेक 1 आवर और 2 आवर टाइम एक्स्ट्रा, मेरे लिए तो बहुत इशू है, पर वी हैव टू सपोर्ट, क्योंकि अभी ये जाके जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं ये अब तक हो जानी चाहिए, जो अब हो रही हैं ये सालों पहले हो जानी चाहिए थी। ऐसा नहीं है हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम लोग टैक्स नहीं पे करते, सदियों से लोग प्रॉपर टैक्स पे कर रहे हैं, लेकिन लोग टैक्स चुरा लिया करते हैं। जो लोग चुराते थे वो तो इसलिए चुराते थे क्योंकि भैया खाने वाले और लोग बैठे तो ये पहले खुद ही खा लेते थे, फिर आगे जाके गवर्नमेंट खाती थी। पर चलो फाइनली अगर देखा जाए तो सब कुछ अभी इम्प्रूवमेंट में है, टैक्स भी अच्छे से पे किया जा रहा है, डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे से हो रही है। पर मुद्दा यही है कि अगर ये सारी चीज़ें पहले हो सकती थी तो क्यों नहीं हुई, और अगर अब हो रही हैं तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। हम सबको मिलके, जितने भी लोग हैं सबको मिलके एक तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे आ जाना चाहिए। एटलीस्ट हम लोग एक तो थोड़ा अपना मनी सेव कर पाएंगे, दूसरी चीज़ हम एनवायरनमेंट को भी क्लीन और फ्रेश कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि चाहत ये है कि सोलर सिस्टम आ जाए, सोलर पैनल सिस्टम आ जाए टॉप ऑफ द रूफ, छत के ऊपर। अगर वैसा सिस्टम जो कि फॉरेन में यूजली फॉलो करते हैं वो लोग, हम भी करेंगे, पर स्टिल द प्रॉब्लम इज सेम,
टेक टाइम, मतलब बहुत 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 टाइम लग जाएगा, क्योंकि अभी तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं जो कि अभी तक प्रॉपर आए नहीं हैं. इसको भी आने में अभी शायद प्रॉपर साल डेढ़ साल लग जाएगा कि सबके पास फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल होगी. लेकिन आई एम रियली वेरी हैप्पी कि जिस हिसाब से लोग मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, वो एकदम अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है. पर मैं दूसरों को बोल रही हूँ, मैंने खुद नहीं अभी तक किया, क्योंकि मेरे को भी शिफ्ट करना है न्यू कार पे. वो आप ही के साथ सफ़र में हम लोग शिफ्ट करेंगे. आप सब वो देख पाएंगे कि हम कौन सी कार लेंगे, कैसा स्टेप बाय स्टेप करेंगे हम भी. लेकिन जितना जल्दी कर लिया जाए, जो लोग अभी नई गाड़ी ले रहे हैं उनको तो शिफ्ट कर ही जाना चाहिए. और अब बात आ जाती है कि हम व्हाट अबाउट आवर हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल. अब घर के इलेक्ट्रिसिटी बिल को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं. देयर इज़ अ ऑप्शन कि आप सोलर पैनल लगा सकते हैं. और बहुत सारी बिल्डिंग्स जो मुंबई में हैं, उन्होंने तो सोलर सिस्टम पे शिफ्ट कर रखा है अपने आप को. वो मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी भी यूज़ करते हैं और सोलर पैनल भी यूज़ करते हैं. सो व्हाई नॉट एवरी सिंगल हाउस, जब सारे लोग ऐसा शिफ्ट कर लेंगे तो एटलीस्ट हम अपने बिजली के बिल को भी सेव कर पाएंगे, जो कि भर भर के आता है. आप समझिए, जो जो चीज़ें अगर हम कट ऑफ कर पाते हैं या कर सकते हैं, अगर उनको कर लें तो हमारा कितना पैसा बचेगा. मतलब वो पैसे से हम कितना अलग काम कर सकते हैं, घर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं. पैसा बचाना एक अलग टॉपिक है, लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि हम अपने एनवायरमेंट को सेव करें. ठीक है, अगर हम नेचुरल रिसोर्सेज पावर यूज़ करते हैं तो एनी हाउ हम अपना नेचर भी प्रोटेक्ट करते हैं और हम एक साफ हवा में सांस लेते हैं. एनर्जी चाहे मतलब हम गाड़ी में कंज्यूम करें, चाहे अपने डे टू डे लाइफ में बिजली के रूप में यूज़ करें, यू नो पॉल्यूशन उस इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में होता ही होता है. तो अभी मेरा पॉइंट वही है कि अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ रहे हैं तो दैट्स अ वेरी गुड पार्ट, काफ़ी सेविंग होगी. बट स्टिल चार्जिंग तो उसी बिजली से होगी और उस बिजली को बनाने में जितना कोयला जलाया जाता है उससे हमारा एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा गंदा होता है. शायद एज अ लेमैन काफ़ी लोगों को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा, बट स्टिल अगर बताइए आपके पास ऑप्शन है, यू कैन यूज़ द सोलर पावर जिसमें ना तो कोई मतलब बिजली कंज्यूम होती है, ना आपको चार्जिंग करनी पड़ेगी, ना आपको बिजली को यूज़ करने के लिए मतलब बिजली पे डिपेंड करना पड़ेगा, और उस बिजली को बनाने के लिए जो कोयला यूज़ होता है, अगेन वो कंट्रीब्यूशन भी काफ़ी कम हो जाएगा. सो अगेन एक नया स्कैम शुरू हो सकता है जिसमें कोयला जो व्यापारी हैं, जो कोयला कंपनीज हैं, वो भी फिर उसमें भी कहेंगे भाई हमारी कंपनी, हमारी इंडस्ट्री को क्यों सफ़र कराया जाए. सो अगेन बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट और इन्वॉल्व हो जाते हैं जो कि अपना फायदा देखते हैं लेकिन सबका फायदा नहीं देखते. सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे Q&A लूंगी क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग लाइव हैं और वो कुछ क्वेश्चंस भी कर रहे हैं. सो विल गो फॉर दैट. सो हाय गाइस, नाउ यू कैन आस्क द क्वेश्चंस. ओके, हम कहाँ से हैं बेसिकली? हम दिल्ली से हैं, मतलब जहाँ पे हम लोग पैदा हुए, हमारी जन्मभूमि वो दिल्ली है, बोथ ऑफ अस. एंड हाँ, अभी हम मुंबई में हैं. तो आपकी मैंने क्वेश्चन का आंसर किया. ओके ओके, ये कोई पूछ रहे हैं कि आप रोज़ वीडियो डालते हैं. ओके, मतलब इनका कहने का है कि अगर आप डेली वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको ये परेशानी तो नहीं देता? नहीं, बिल्कुल नहीं देता. हमें परेशान नहीं करती है चीज़, क्योंकि हम ऐसा करना चाहते हैं. परेशान कोई चीज़ आपको तब करती है जब आप वो नहीं करना चाहते और वो आपको करना पड़ता है. ये शुरू में हुआ करता था एक्चुअली, वो वेरी वेरी स्टार्ट लाइक पूछा तुम्हारे लिए होता होगा, मेरे लिए क्योंकि मैं इंस्टा से मूव हुई हूँ तो इसलिए मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मुझे अच्छा लगता है. मतलब हम लोग पहले जब स्टार्ट करते तो डेली एक बार करना थोड़ा सा लगता था कि यार मतलब कुछ अपने ऑफिशियल वर्क भी सफर करते हैं, बट अगेन एक बार आदत पड़ती है तो अब जरूर महसूस होता है कि अगर नहीं किया तो जरूर महसूस होता है कि क्यों नहीं किया. तो दैट्स वेरी गुड पार्ट कि हम अपनी किसी डेली प्रैक्टिस को अगर उस चीज़ में ले आए तो इट बिकम वेरी इजी. ओके, सो अभी मैं एक और क्वेश्चन लेती हूँ. आप लोग बहुत सुंदर दिखते हैं. थैंक यू सो मच गाइस. नो कमेंट, इस पे क्या बोले. तुम नहीं होगे, तुम सड़ू होगे, मैं तो अच्छी दिखती हूँ. चलो हम ऐसे ही सही है. हाँ, ये बंदा तारीफ कर रहा है, इसको तारीफ ही नहीं चाहिए. करो करो और करो, हमें अच्छा लगता है. थैंक यू थैंक यू. अच्छा, बहुत सारे दिल दे रहे हो. थैंक यू सो मच, ले लिए आपके सारे दिल हमने ले लिए. गाइस जाइए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल पे, सब्सक्राइब करना ना भूलिए. आप लोग देखते हैं, लाइव आते हैं, इतने सारे लोग अभी लाइव हैं, मैं पहली बार देख रही हूँ यूट्यूब पे इतने सारे लोग लाइव. थैंक यू सो मच, मुझे हजम नहीं हो रहा है बट स्टिल आई एम वेरी हैप्पी कि चलो पहले कहाँ एक भी नहीं आता था, अभी हज़ारों दिख रहे हैं. मैं किस किस को बोलूँ, लेकिन थैंक यू सो मच. आप सब जाके सब्सक्राइब करना ना भूलिए मेरे चैनल को और अभिनव के चैनल को भी. और आपकी कोई शिकायत है तो आप यहाँ पूछ सकते हैं, हम लोग लाइव हैं. और हमारी जो शिकायत है, हम लोग तो बोलते ही रहते हैं, हमारी एक ही शिकायत है.
लाइक कमेंट शेयर नहीं करते और सब्सक्राइब भी नहीं करते, सिर्फ देख के निकल जाते हैं। क्योंकि जो इंसान आपसे प्यार करता है वो रुक के एटलीस्ट जो चीज उसको अच्छी लगती है वो जाता है, उसको हिट जरूर करता है बटन को, क्या मजा आ गया, बस इतना ही तो चाहिए, कर दीजिए और शेयर करना। अच्छा एक और है, पूछा इन्होंने, हाँ मतलब अभी हम स्टोर पे जा रहे हैं, राइट, सुबह सुबह का टाइम है, आप देख सकते हैं 9:34 हो रहे हैं। ओके थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं। और फिर से एक बार दिखा दो कैमरा पैन करके कि मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बट स्टिल इट्स रिकॉर्डिंग। काफी लोग बोलते हैं कि आप लोग रिकॉर्ड करते हुए ध्यान नहीं रखते, बट ये देखिए ऐसा कुछ हमने देख ही लिया है। बस अभी हम लोग ऑफिस पहुंचेंगे, फिर चाय नाश्ता पानी वो तो मैं अभी, आजकल हम लोगों ने थोड़ा सेपरेट करना शुरू कर दिया क्योंकि आई फील कि मेरा और अभिनव का वीडियो की तो क्लैश नहीं होना चाहिए, तो अभिनव अपना पूरा डे शूट करके डालते हैं तो आपको पूरे दिन का जेसिका का एक्टिविटी या बच्चों का एक्टिविटी या फिर अभिनव का एक्टिविटी देखना है, तो आप इनके चैनल पर जाके देख लेना, अभिनव मिश्रा व्लॉग्स करके है, बहुत सारे अभिनव मिश्रा बड़े बड़े हैं तो इनको थोड़े इनकी शक्ल से पहचान लीजिए, ये देखिए इनकी शक्ल, ठीक है, तो आप इनको देख लीजिए और इनको फॉलो कर लीजिए। और मेरे व्लॉग्स पे देखिए मैं थोड़ी सी क्रिएटिव हूँ, बहुत अलग हटके थोड़ी सी इंसान हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है चीज़ को एकदम हटके प्रेजेंट करना, तो मेरे आप वीडियोस पे मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कुछ हटके ही देखा करेंगे, मैं जितना क्रिएट कर सकती हूँ। मैं सिंगल हैंड पर्सनालिटी कह लीजिए मुझे, क्योंकि मैं कैमरा भी खुद ही हैंडल करती हूँ, मेकअप भी खुद ही करती हूँ, हेयर स्टाइलिंग भी मेरी खुद की है, कॉस्ट्यूम भी मेरा है, डायरेक्टर भी मैं ही हूँ, सब कुछ तो मैं ही हूँ मेरी वीडियो पे ना, तो मेरे से जितना बन सकता है मैं उतना करती हूँ, पर जो बनाती हूँ प्लीज़ उसको आके एक लाइक कर दिया करो तो हौसला अफजाई हो जाती है। हाँ ओके, हाँ जी हम दिल्ली से ही हैं, कभी आएंगे तो आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे। लोग पूछ रहे हैं कि आप दिल्ली आते हो तो आप प्लीज़ आप हमें इन्फॉर्म करो। मैं पहले हम थोड़े दिन पहले दिन नहीं कुछ महीने पहले हम लोग दिल्ली गए थे और हमने इन्फॉर्म किया था, तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया था कि हम आते हैं आपसे मिलने प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब एज अ गर्ल आई फील नो नहीं मुझे नहीं ऐसे नहीं मिल सकती, बट चलो ना थोड़ा अजीब लगता है बाहर घर के लोग भीड़ हो जाती है, अभी हमारे ये वाले घर पर भी इतने सारे लोग आ जाते हैं मिलने के लिए, अभी क्या करें मतलब वो बोलते हैं तो चलो कोई नहीं क्या कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, वो आपका प्यार ही है जो आप लुटाने आते हैं, वो तो हम दोनों हाथ फैला फैला के एक स्वागत करते हैं। ओके देखिए वैसे इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं है जो आप मुझे लिख रहे हैं, मैं बोल भी नहीं सकती अभी लाइव पे, बट फॉर दैट यू कैन गो इन द अबाउट, वहाँ से आप एड्रेस ले सकते हैं जी। और गाइस जो मतलब हमारे कंप्लीट वीडियोस मिलेंगे जिसमें जैसिका भी होगी और द फुल फैमिली व्लॉग होता है हमारा, अगर आपको वो देखना है तो मेरे चैनल को आपको देख सकते हैं, अभिनव मिश्रा 19 नहीं अभिनव मिश्रा व्लॉग्स 19 है ना, तो क्योंकि अभी फुल जो डेली व्लॉग होता है वो मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। और एक चीज़ और, यू कैन फॉलो आर किड्स चैनल ऑल्सो, दे आर ऑल्सो वेरी क्रिएटिव, तो आप उनके अकाउंट को जाके भी याद से सब्सक्राइब कर लीजिए, उनका चैनल है जेनेट एंड आहान, और दोनों बच्चों का सेपरेट अकाउंट भी है, आहान का के नाम से आप ढूंढ सकते हैं और जेनेट मिश्रा के या जेनेट ऑफिशियल के नाम से आप ढूंढ सकते हैं, तो जेनेट के नाम से भी आपको मिल जाएगा। हम लोग इंस्टा पे भी हैं, हम लोग यूट्यूब पे भी हैं। चलिए आपको दर्शन कराती हूँ हनुमान मंदिर के, ये है इच्छा पूर्ति हनुमान मंदिर, आप जितने भी लोग लाइव हैं हजारों की तादाद पे आज लाइव हैं तो सब इसके दर्शन कर लीजिए। ये है इच्छा पूर्ति हनुमान जी, ये सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, मेरी भी बहुत की है इन्होंने। सो ठीक है गाइस, बहुत हो गया अभी तो, हम लोग बहुत देर से आपके साथ लाइव हैं, अभी थोड़ा विराम देते हैं क्योंकि अभी बस थोड़ा ट्रैफिक भी लगा हुआ है, तो थोड़ा सा आराम करके फिर हम लोगों को पहुंचना भी है और मुझे थोड़ा सा पोस्टिंग एंड शेयरिंग्स भी करनी है एंड प्लस आपके लिए कुछ वीडियोस भी एडिट करने हैं। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, मैं ये नहीं कहूँगी कि कब कौन सा कैसा, पर मैं दिन में कुछ ना कुछ पोस्ट करती हूँ तो आपको उसमें मिलती हूँ। टिल दैट टाइम डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पुराने हो चुके हैं वो मेरे दिल में हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले, लाइक शेयर एंड कमेंट बनता ही है। ओके लव यू ऑल, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो एंड टिल दैट टाइम जाके सारे के सारे मेरे वीडियोस भी देख लेना। ओके लव यू, थैंक यू सो मच, इतने सारे लोग लाइव हैं, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।